24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, तो आपको बताते चले कि जम्मू रीजन में लगातार हीट वेव का प्रकोप जारी है, भीषण गर्मी पड़ रही है और लोगों का जीना बेहाल हो चुका है। लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान है कि आखिर कब इस गर्मी से राहत मिलेगी, कब इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और बारिश जो वो करेंगे। लेकिन पहले कहीं अभी जो हालात बने हुए हैं, तो इन हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि अभी गर्मी से राहत जो वो नहीं मिलने वाली है। जिस तरह से लगातार आप कह सकते हैं कि सूर्य देवता पूरी तरह से गुस्से में है और लगातार अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, और इतनी ज्यादा तेज धूप है कि लोगों का घरों से निकलना भी जो वो बाहर मुश्किल हो चुका है, और कहीं ना कहीं लोगों को इस समय खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं भी इस समय जो आपको अपडेट कर रहा हूं, तो बड़ी मुश्किल से मैं धूप में खड़ा हूं और आपके तक ये अपडेट पहुंचा रहा हूं। तो अगर सांबा की बात करूं, तो सांबा में भी लू का इस समय जो चलना है वो जारी है, और कहीं ना कहीं काफी मुश्किलों से हम आपको ये अपडेट कर पा रहे हैं धूप में खड़े होकर। लेकिन अगर मैं पूरे सांबा की तस्वीर आपको दिखाऊं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि यहां आसपास कोई व्यक्ति ही नहीं है, क्योंकि इतनी तेज धूप है और लोगों का घरों से बाहर निकलना जो है वो पूरी तरह से बेहाल है। मैं ऊपर की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख रहे हैं कि लगातार इस समय ऐसा लग रहा है कि सूखा पड़ा हुआ है। उसी तरह की जो ये तस्वीर है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि धूप इतनी तेज है कि लोगों का घरों से बाहर जो वो निकलना इस समय मुश्किल है। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा घरों में रहने की कोशिश करें, आप लोग दोपहर के समय में जो है वो घरों से बाहर ना निकले, खासतौर पर 11 बजे के बाद से लेकर 5 बजे तक जो वो अपने घरों में रहने की कोशिश करें, घरों से बाहर ना निकले, बच्चों को अपने जो वो बाहर ना जाने दें, क्योंकि इतनी ज्यादा तेज धूप है, इतनी ज्यादा हीट वेव चल रही है कि हीट स्ट्रोक हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी सेहत खराब हो सकती है। और इसी के साथ साथ आप जितना हो सकता है उतना तरल पदार्थों का इस्तेमाल करें, पानी पिए, लेकिन सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि पानी में नमक चीनी का घोल जो वो बनाकर पिए, जिसे आप ORS कहते हैं, या ग्लूकोज का इस्तेमाल करें। इसी के साथ साथ आप जूस वगैरह पिए, तरल पदार्थ जितने भी हो सकते हैं वो आप खाएं, तरबूज खाएं, मस्क मेलन आप जो वो ले सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय, जो लू इस समय चल रही है, लू के थपेड़े जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि चल रहे हैं, और ये लोगों के लिए इस समय जो वो खासी मुश्किल बनी हुई है, और धूप इतनी तेज है कि लोग अपने काम जो वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताता चलूं कि अगर सांबा के बाजारों का सूरत हाल आपको बताएं, तो बाजारों को लेकर लगातार हम ये आपको कहेंगे कि लोग इस समय जो वो नहीं आ पा रहे, और कहीं ना कहीं जो दुकानदार है वो भी इस समय मंदी का सामना कर रहे हैं, और उसी को लेकर गर्मी जिस समय से काफी ज्यादा पड़ रही है, तो दुकानदारों ने भी फैसला कर लिया है कि अब जो है छुट्टियों का ऐलान किया जाएगा। जो व्यापार एसोसिएशन है सांबा का, वो भी छुट्टियों का ऐलान कर चुका है, जो कि 21, 22 और 23 को जो है वो सांबा की मार्केट बंद रहेगी। अगर बात करें सराफा बाजार एसोसिएशन की, तो उन्होंने आज से जो है वो छुट्टियों का ऐलान कर दिया, यानी आज से उनकी छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, और वो सोमवार तक जो उनकी छुट्टियां रहेंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूलों में तो छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे इस समय घर पे हैं, और कोशिश करें कि बच्चों को घर में रखें। इसी के साथ साथ अगर बात करें, तो जो मार्केट एसोसिएशन है, उन्होंने भी छुट्टियों का ऐलान कर दिया कि चलिए थोड़ी सी राहत जो वो इस गर्मी से हमें मिलेगी जब हम अपने घरों में रहेंगे, या आप कह सकते हैं कि ठंडे इलाकों में अपने परिवारों के साथ छुट्टियां व्यतीत करने के लिए जाएंगे। लेकिन इस समय तो गर्मी का इतना ज्यादा प्रकोप है, सूर्य देवता पूरी तरह से गुस्से में है, धूप इतनी तेज है कि घरों से बाहर निकलना जो वो काफी ज्यादा मुश्किल है, और हम आपको अपडेट कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल हमें भी हो रही है। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी गर्मी से राहत जो वो नहीं मिलने वाली है। इंद्र देवता ऐसा लग रहा है कि अभी अभी जो वो बारिश नहीं करेंगे, लेकिन बारिश का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश आ जाए तो हमें इससे गर्मी से जो वो राहत मिलेगी। तो एक चिंता का विषय है कि लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है, और इस गर्मी से राहत जो वो मिलती दिखाई नहीं दे रही है। आप लोग प्रिकॉशन लें, घरों में रहें, बाहर ना निकलें, और तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, यही हम आपसे अपील करेंगे। सूर्य देवता लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से गर्मी जो वो छोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा हीट वेव है, इतना ज्यादा हीट वेव का प्रकोप है कि लोगों का जीना बेहाल हो चुका है। ये है हालत इस गर्मी को लेकर, भीषण गर्मी लगातार जारी है और टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। फिलहाल विदेशी को जुड़े जगह 24/7 न्यूज के लिए।